हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेस्टेड लूप। क्या होते हैं नेस्टेड लूप्स, कैसे लिखते हैं हम लोग इसको अपनी प्रोग्रामिंग में, क्या यूज है नेस्टेड लूप्स का, वो आज आप सब देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नेस्टेड लूप्स के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को नेस्टेड इफ पढ़ा रखा है। क्या होता था नेस्टेड इफ का मतलब? इफ के अंदर इफ। तो दोस्तों, यहां पर भी लूप के अंदर लूप हो एज अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, उस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? नेस्टेड लूप। तो भाइयों, अब हम लोग दो लूप एक साथ यूज करेंगे, जहां पर एक लूप दूसरे लूप के अंदर लाई करता है। अब माय फ्रेंड्स, का एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आउटर लूप की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? इनर लूप के पास, अंदर वाले लूप के पास। और नेस्टेड लूप में हमें ये बात का ध्यान रखना होगा, जब तक इनर लूप टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो अपने आउटर लूप के पास दोबारा नहीं जाएगा, दोबारा कंडीशन को चेक नहीं करेगा। मतलब हर हाल में इनर लूप टर्मिनेट होना चाहिए बिफोर द आउटर लूप। जब हम लोग दो लूप एक साथ यूज कर रहे हैं तो यार, हम लोग अपने लूप वेरिएबल को नाम भी अलग अलग देंगे। आपकी कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को समझने में, तो भाई इसलिए डिफरेंट नाम ही आप लोग यहां पर दें। ओके, चलिए आइए अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने नेस्टेड व्हाइल लूप का सिंटैक्स यहां पर लिखा है। क्या है सिंटैक्स? सबसे पहले व्हाइल लूप, फिर कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाले लूप के पास जाएगा, फिर उसकी कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो भाई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और जब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर इस लूप के बाहर आ जाएगा, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा अपने आउटर लूप की कंडीशन पर जाएगा, फिर चेक करेगा, अगर ये ट्रू रहेगी दोबारा एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होता चला जाएगा जब तक आउटर लूप और इनर लूप दोनों की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ओके, ऐसे भाई ये फोर लूप का सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले आउटर लूप का फॉर, वेयर इन सीक्वेंस। तो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले ये वैल्यू चेक की जाएगी, क्या वह इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही होगी मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, ये एंट्री करेगा किसमें? अंदर वाले लूप में। फिर यहां पर भी चेकिंग होगी कि भाई क्या ये वैल्यू इस सीक्वेंस में है, अगर ये भी ट्रू होगी तो भाई इस इनर लूप की ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और फिर वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए इटरेट करेगा। तो ऐसे ही भाई, जब इस अंदर वाले लूप की सारी वैल्यू इटरेट हो जाएंगी तो हम आ जाएंगे इस लूप से बाहर, और फिर अपने इस आउटर लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद फिर हम अपने इस आउटर लूप की नेक्स्ट वैल्यू के लिए इटरेट करेंगे। ऐसे भाई हर बार वैल्यू को चेक करते रहेंगे और इसकी बॉडी में अंदर वाले लूप को एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। जब आउटर लूप की भी सारी वैल्यू इटरेट हो जाएंगी तो भाई हम इन दोनों लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये तो हम लोगों ने नेस्टेड लूप की थ्योरी को, उसके सिंटैक्स को अच्छे से समझ लिया। अब माय फ्रेंड, इसका यूज सुनो। हम लोग दोस्तों इसको यूज करते हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग में। बहुत सुंदर सुंदर टाइप के पैटर्न्स हम लोग बनाएंगे। मैं अभी आप लोगों को इसके एग्जांपल दिखाऊंगा, आप देखिएगा कितने अच्छे अच्छे पैटर्न हम लोग नेस्टेड लूप की प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हैं। ओके, और अब प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना माय फ्रेंड। जब हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करते हैं तो जो इनर लूप होता है वो यूज किया जाता है दोस्तों कॉलम्स के लिए, और जो आउटर लूप यूज होता है वो यूज किया जाता है रोज के लिए।
कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो डिसाइड करेगा आपका इनर लूप, कितनी नंबर ऑफ रो चाहिए वो डिसाइड करेगा आपका आउटर लूप। चलो भाई इसके एग्जांपल देख लो, मेरा ये पॉइंट आप लोगों को एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर पैटर्न आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। कैसे आए भाई ये पैटर्न? हमारी नेस्टेड लूप की प्रोग्रामिंग से। तो चलो यार जल्दी से इन एग्जांपल को समझ लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने एक आई वेरिएबल लिया जिसको मैंने इनिशियलाइज किया जिसे 1 से, फिर हमने एक व्हाइल लूप लगाया और क्या कंडीशन दी, i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब i की वैल्यू जब तक 5 से छोटी रहे या 5 के बराबर हो जाए तब तक भाई ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो भाई आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि 1 से लेकर 5 तक का मतलब 5 बार इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करनी चाहिए। और मैंने क्या कहा था, आउटर लूप किसके लिए होता है? नंबर ऑफ रोज के लिए। तो आप लोग देख सकते हो यार इसके आउटपुट में 5 रो आप लोगों को दिख रही होंगी। तो यही तो मैंने आप लोगों से कहा अभी कि भाई आउटर लूप नंबर ऑफ रो को डिसाइड करेगा और इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स को डिसाइड करेगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, बहुत यूजफुल पॉइंट है ये आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को, ये आपके पैटर्न्स की प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ओके चलिए भाई आगे देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। i की वैल्यू हमारी 1 थी, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। ट्रू होते ही हम आ गए भाई इसकी बॉडी में और वहां क्या मिला, j इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने लगाया दूसरा व्हाइल लूप और क्या कंडीशन दी, j लेस देन इक्वल टू i। तो यार मुझे यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो ये j लूप चल रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, i के रिस्पेक्ट में। हर बार कंडीशन चेक होगी i के रिस्पेक्ट में, j की वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा i की वैल्यू के साथ। तो अभी i की वैल्यू हमारी 1 थी और j की वैल्यू भी क्या है, 1। तो भाई 1 लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो गई, कंडीशन ट्रू। तो ट्रू होते ही हम आ गए इसकी बॉडी में और बॉडी में क्या मिल रहा है, प्रिंट स्टार। तो ये हम लोगों का एक स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक अपडेट स्टेटमेंट दी, j प्लस इक्वल टू 1, मतलब j की वैल्यू क्या हो गई अब, 2। तो भाई फिर कंडीशन को चेक करो, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, जी नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो हम इस इनर लूप से कहां आ गए, बाहर। उसके बाद भाई यहां पर क्या मिल रहा है, i प्लस इक्वल टू 1, मतलब आउटर लूप की अपडेट स्टेटमेंट। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और उसके बाद हम लोगों ने क्या दी है, एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट। आपको पता है भाई प्रिंट क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर अपेंड करता है, इसलिए वो कहां चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। अब क्या करें भाई, अब हम दोबारा जा रहे हैं अपने आउटर लूप के पास, कंडीशन को चेक करेंगे। अब यहाँ क्या i की वैल्यू कितनी थी, 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम लोग इसकी बॉडी में एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पर दोबारा मेरी बात पर ध्यान देना, आप लोग कहेंगे सर j की वैल्यू तो 2 हो चुकी थी तो अब तो ये लूप 2 से चलना चाहिए j की वैल्यू से। नहीं भाई नहीं, हर बार आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए j अपनी स्टार्टिंग वैल्यू से चलेगा और कब तक चलेगा, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर वो पॉइंट रिमाइंड कर लो, इनर लूप मस्ट बी टर्मिनेटेड बिफोर आउटर लूप। ओके तो j दोबारा हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, 1 से। अब दोबारा हम इस व्हाइल लूप पे आए, j लेस देन इक्वल टू i, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो अब आप यार समझदार हो, कितनी बार लूप चलेगा, 2 बार। तो देखो यहाँ पर कितनी बार स्टार प्रिंट हुआ है, 2 बार। अब भाई फिर ये की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आई का अपडेशन होगा, फिर आप ऊपर जाओगे कंडीशन चेक करोगे। तो ऐसे ही ये लूप चलता चला जाएगा, कितनी बार चलेगा, 5 बार। और ये आप लोगों का ऐसे ये सुंदर पैटर्न आता चला जाएगा। ओके तो ये तो एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को किसका, व्हाइल लूप का। चलिए अब फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने लिखा फॉर आई इन रेंज 6, -1, -1। तो आप लोग रेंज फंक्शन अच्छे से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो भाई रेंज फंक्शन वाला लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने रेंज फंक्शन को।
क्या क्या होता है इसमें, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंडिंग वैल्यू और लास्ट वन इज द स्टेप वैल्यू। तो भाई लूप हमारा शुरू हो रहा है यहाँ पर 6 से, एंड होगा कहाँ पर, माइनस वन पे नहीं, कहाँ पर होगा भाई, जीरो पर। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अपर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। और यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, कितने का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वन का, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये तो है भाई हमारा आउटर लूप। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है हमारी 6, उसके बाद भाई हम आ गए फोर लूप की बॉडी में, उसके अंदर हमें एक और नया फोर लूप मिल गया जे इन रेंज 1, i। तो ये 1 से चल रहा है और कहां तक चल रहा है, i तक। i की वैल्यू कितनी है 6, अगेन सेम बात, 6 तक नहीं जाएगा, उससे एक कम जाएगा, मतलब 5 तक जाएगा। ओके भाई, तो यार हम लोग जान गए कि 1 से 5 तक जा रहा है, तो ये कितनी बार स्टार प्रिंट होगा, 5 बार। तो आप लोगों को आउटपुट की फर्स्ट लाइन में ये 5 स्टार देख रहे हैं। जब भाई ये सारी वैल्यू रेंज फंक्शन की प्रिंट हो जाएगी, आप लोग आ जाओगे इस लूप से बाहर, क्या मिला, अगेन एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट जो आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगी। फिर ऊपर गए, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो भाई दोबारा जे लूप कहां से आता चलेगा, 1 से लेकर 4 तक। तो यार देख लो कितने स्टार प्रिंट हो गए, 4। ऐसे ही फिर अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाओगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर आपका जे कहां तक चलेगा, 3 टाइम तक। तो भाई 3 बार स्टार प्रिंट हो गया, फिर हमारे आई की वैल्यू भाई 3 हो जाएगी। तो भाई इनर लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, तो 2 स्टार हो जाएंगे। फिर हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो फिर इनर लूप कितनी बार चलेगा, 1, 1, मतलब एक बार। और लास्ट में हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो 1, 0 नहीं चल पाएगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो भाई हमें ये सुंदर सा पैटर्न यहाँ तक मिल जाएगा। ओके, तो भाई ये मैंने आप लोगों को पैटर्न्स के 2 एग्जांपल दे दिए, एक व्हाइल लूप के थ्रू और एक फॉर लूप के थ्रू। आइए भाई कुछ पैटर्न प्रोग्राम्स बनाते हैं अपने पाइथन आईडीएली पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी पाइथन शेल, चलिए लेते हैं न्यू फाइल और बनाते हैं अपना फर्स्ट पाइथन पैटर्न प्रोग्राम। मैंने कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया तो ये ओपन हो गई हमारी न्यू फाइल। तो मेरे दोस्तों कैसा लग रहा हूं पहला पैटर्न प्रोग्राम, मैंने कमेंट लाइन दी, मैंने कहा भाई टू डिस्प्ले पैटर्न लाइक दिस, ऐसा लाइक दिस। ये देखिए फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ लाइन में 4x4 और फिफ्थ लाइन में 5x5। ऐसा माय फ्रेंड मैं पैटर्न प्रिंट कराना चाहता हूँ। भाई अब क्या किया जाए, सबसे पहले लूप वेरिएबल लिया जाए, मैंने लिया आई और इनिशियलाइज कराया इसको कहां से, 1 से। उसी बाद मैंने लिखा व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। हाँ मेरे दोस्तों, ये कंडीशन क्यों लगाई मैंने, i लेस देन इक्वल टू 5, क्या समझ में आ रहा है इससे, मैं अपने लूप को 5 बार एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। और ये आउटर लूप का वेरिएबल है, तो इसका मतलब यार ये 5 रो प्रिंट करेगा, 5 रो तक आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। चलिए अब इसकी बॉडी लिखते हैं, मैंने लिया j वेरिएबल, इनिशियलाइज कराया इसको भी 1 से, फिर मैंने इनर लूप लगाया व्हाइल और इसकी कंडीशन दी माय फ्रेंड j लेस देन इक्वल टू i और ये हुआ कॉलन। अब किसको प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पर ध्यान देना, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट आई कोमा एंड पैरामीटर में मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। तो मैंने भाई यहाँ पर आई क्यों प्रिंट कराया है, एक और इम्पोर्टेंट बात पे यहाँ पर मेरी ध्यान देना, एक रो में अगर सेम वैल्यू चाहिए तो आउटर लूप का वेरिएबल प्रिंट कराओ, एक रो में अगर डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो इनर लूप का वेरिएबल प्रिंट कराओ, समझ गए। इसलिए मैंने यहाँ पर आई प्रिंट कराया है क्योंकि मुझे एक रो में सेम वैल्यू चाहिए। अब इसकी मैं अपडेट स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैंने लिखा जे प्लस इक्वल टू 1। अब मैं लूप से बाहर आया, अब भाई यहां मैंने आउटर लूप की अपडेट स्टेटमेंट दी, मैंने लिखा आई प्लस इक्वल टू 1 और उसके बाद भाई मैं यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूं। आप लोग जानते हो ये क्या करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर अपेंड करेगा ताकि आपका नेक्स्ट आउटपुट जो आए वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले होकर आए। चलिए भाई अब अपने प्रोग्राम को सेव कराते हैं, मैंने कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया और नाम दे दिया पैटर्न 1, ये हुआ सेव और ये मैंने F5 प्रेस किया, ये हो गया रन। तो देख लो यार आ गया आप लोगों के सामने सुंदर सा पैटर्न 1, 2, 3, 4x4 और 5x5। तो ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट प्रोग्राम दिखाया पैटर्न का,
वो भी किस लूप से? वाइल लूप से। चले माय फ्रेंड, अब एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर लेते हैं एक न्यू फाइल। ये रही हमारी फाइल, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोग्राम। अगेन मैंने माय फ्रेंड कमेंट लाइन दी, टू डिस्प्ले पैटर्न लाइक दिस। कैसा पैटर्न माय फ्रेंड? मैंने कहा 2, फिर स्पेस 4, फिर स्पेस 6, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में कहा 3, 6, 9, और फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में कहा 4, 8 and 12। तो माय फ्रेंड कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग इस बार डिस्प्ले करने जा रहे हैं। क्या लिखे भाई इसका कोड? समझो भाइयों कैसे आएगा इसका आउटपुट। स्टार्टिंग किससे हो रही है? 2 से, और रो कितनी है टोटल? 3। तो भाई टोटल 3 रो है यहाँ पर, इसका मतलब जो आउटर लूप है वो सिर्फ 3 बार चलना चाहिए। और अब इधर देख लो, कॉलम भी 3 है, और कॉलम की वैल्यूज देखो यार कैसे आ रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब आउटर लूप के वेरिएबल पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है हमारे कॉलम की वैल्यू। 2 का टेबल चल रहा है फर्स्ट लाइन में, 3 का टेबल चल रहा है नेक्स्ट लाइन में, और 4 का टेबल चल रहा है भाई थर्ड लाइन में। तो इसका मतलब हम अपने अंदर वाले लूप को भी कितनी बार चलाए? 3 टाइम चलाए, और बाहर वाले लूप वेरिएबल से अंदर वाले लूप वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दे? मल्टीप्लाई। चलो यार देखो क्या लिखने जा रहा हूं मैं। मैंने लिया i, इनिशियलाइज कराया माय फ्रेंड 2 से, फिर मैंने लिया यहां पर वाइल i लेस देन इक्वल टू 4। उसके बाद माय फ्रेंड मैंने लिया एक वेरिएबल j, इनिशियलाइज कराया किससे? 1 से। और अब भाई लिया मैंने इनर लूप, मैंने लिखा वाइल j लेस देन इक्वल टू 3। ओके, 3 टाइम्स तक मैं इसको चला रहा हूं और प्रिंट करा रहा हूं माय फ्रेंड i इनटू j, और उसके बाद दोस्तों मैंने स्पेस दिया और लास्ट में मैंने एंड पैरामीटर यहां पर दे दिया। ओके, अब आप लोगों को पता है हम किसको अपडेट करेंगे? अपने पहले j वेरिएबल को। मैंने यहां पर अपडेट कर दिया, उसके बाद भाई आ जाओ इस लूप से बाहर और यहां पर अपडेट कर दो अपने i वेरिएबल को। अब एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो। भाई आप लोग अब इस कोडिंग को अच्छे से यहां पर समझ चुके होंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए इसको भी रन कराते हैं। ये किया हमने सेव, नाम दिया हम लोगों ने पैटर्न 2, ये हुआ सेव और ये हुआ रन। देख सकते हो भाई आप सब, जैसा मैंने आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहा था वैसा आप लोगों के सामने यहां पर पैटर्न आ गया। चलिए भाई अब एक नया पैटर्न प्रिंट कराते हैं यूजिंग फॉर लूप। लेते हैं अगेन न्यू फाइल और यहां पर लिखते हैं माई फ्रेंड हम अपना थर्ड प्रोग्राम। मैंने दिया प्रोग्राम का नाम टू डिस्प्ले पैटर्न लाइक दिस। ओके, कैसा पैटर्न भाई? मैंने कहा माय फ्रेंड मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ 5 5 5 5 5, 4 टाइम 4, 3 टाइम 3, 2 टाइम 2, और लास्ट में माय फ्रेंड क्या प्रिंट होगा? 1 only 1 time। ये बता दिया मैंने आप लोगों को कंप्लीट अपना ऑब्जेक्टिव कि क्या मैं डिस्प्ले यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो माय फ्रेंड इस बार क्या हो रहा है, वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 5 से, और हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं कहां तक? 1। ओके, चलिए माय फ्रेंड लिखते हैं इसकी कोडिंग। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग 5 से कर रहे हो आप, कहां तक आ रहे हो माय फ्रेंड आप लोग? 1 तक। तो मैंने यहां पर दिया 0 और लास्ट में स्टेप वैल्यू दी मैंने -1। तो भाई एक एक डिक्रीमेंट होता रहेगा, 5 4 3 2 1, और 0 इंक्लूड नहीं होगा। इसी के अंदर दोस्तों मैंने एक और फॉर लूप लगाया, मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज, और इसमें माय फ्रेंड मैं क्या दूं? आप लोग देख रहे हो आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 5। तो यार कॉलम भी कितने प्रिंट हो रहे हैं? 5। फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होके होगी क्या? 4। तो कॉलम भी कितने प्रिंट होंगे? 4। इसका मतलब जो हमारा इनर लूप चल रहा है वो आउटर लूप के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो मैंने यहां पर दे दिया रेंज में आई। ओके, उसके बाद मैंने बॉडी में लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट कराऊं? सेम रो में वैल्यू है तो मैं प्रिंट करा रहा हूं यहां पर आई, और फिर मैंने यहां पर एंड पैरामीटर दे दिया जिसमें मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। अब यहां से बाहर आइए और यहां पर एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए। चलिए भाई इसको रन कराते हैं, पर पहले यार सेव कराना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया और नाम दिया प्रोग्राम को पैटर्न 3। ओके, ये हुआ सेव और ये हुआ रन। तो यस आपके सामने आउटपुट आ चुका है, 5 टाइम 5, 4 टाइम 4, 3 टाइम 3, 2 टाइम 2 और 1 टाइम 1। तो भाई समझ आ रही है ना पैटर्न प्रोग्रामिंग? अच्छा लग रहा है ना पैटर्न के प्रोग्राम बनाना? कितने अट्रैक्टिव पैटर्न यार आप लोग देख रहे हो, 3 अमेजिंग पैटर्न मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दिए। और अब मैं आज के लेक्चर का लास्ट पैटर्न प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ यूजिंग फॉर लूप। ले रहा हूं मैं फिर न्यू फाइल और यहां देते हैं हम अपने फोर्थ प्रोग्राम का नाम
मैंने दिया माई फ्रेंड टू डिस्प्ले पैटर्न लाइक दिस। कैसा पैटर्न? मैं इस बार माई फ्रेंड पहले दे रहा हूँ 1 स्टार। मैं इस बार माई फ्रेंड प्रिंट कराना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 1, 2, थर्ड लाइन में 1, 2, 3, फोर्थ लाइन में 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ लाइन में 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा पैटर्न भाई आप लोगों को डिस्प्ले करना है। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं अपने फोर लूप में। मैंने लिखा फोर आई इन रेंज, यहाँ माई फ्रेंड स्टार्टिंग वैल्यू दी मैंने 2 और स्टॉप वैल्यू दी मैंने 7। 2 से चल रहा है और कहां तक चलेगा भाई? 6 तक। तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब आउटर लूप 5 बार चलेगा। तो यार कितनी रो प्रिंट होंगी भाई? 5 रो प्रिंट होंगी। अब इनर लूप लिखते हैं। मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज, कहां से शुरू कर रहा हूं मैं इसको? 1 से। और कहां तक चला रहा हूं भाई? आई तक। आई के रिस्पेक्ट में चल रहा है भाई हमारा जे वेरिएबल। ओके, प्रिंट करा रहा हूं दोस्तों इस बार मैं किसको? जे को। क्यों भाई? क्योंकि भाई हमें अपनी रो में डिफरेंट वैल्यू चाहिए। उसके बाद दोस्तों बाहर आ गए इससे और यहां दे दी भाई आपने एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट। चलिए भाई इसको सेव करा लेते हैं। नाम दे देते हैं भाई इसको पैटर्न 4। ओके, ये हुआ सेव, ये हुआ रन। तो यस माय फ्रेंड, आ गया आउटपुट जैसा आपको चाहिए था। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई ये मैंने टोटल 4 प्रोग्राम आप लोगों को पैटर्न के दिखा दिए अपने इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं भाई आज का लेक्चर आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और भी पैटर्न देखना चाहते हो तो डोंट वरी यार, एक वीडियो मैं बनाऊंगा ऐसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैटर्न की प्रोग्रामिंग आप लोगों को शो करूंगा, बहुत सारे सुंदर पैटर्न बनाकर दिखाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मैं अपने लेक्चर को यहां पर समाप्त करता हूं। मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।